नमस्कार, जय श्री राम। मैं DPS छतरपुर में कक्षा 10th बी में पढ़ रही छात्रा शांभवी खरे का पिता अलौकिक खरे हूँ। मैं आज आप सभी के साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल छतरपुर के साथ इस लॉकडाउन अवधि में जो एक्सपीरियंस रहे हैं हम सभी के, उसको शेयर करने के लिए आया हूँ। थैंक यू पापा जी, आप इस QA सेशन में आए। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके लॉकडाउन एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अपने बच्चों के साथ, और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी अपने बच्चों के संदर्भ में बताइए। देखिए, जहाँ तक इस बीमारी, इस महामारी का संबंध है, तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए अलग अलग प्रकार के अनुभव लेके आया है। हम सभी के अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस रहे हैं। बच्चों के साथ एक्सपीरियंस ये हैं कि चूँकि स्कूल बंद रहे, जिस कारण से बच्चों का पूरा समय घर पर व्यतीत हुआ, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इतना लंबा समय बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है। हम सभी के भी अपने अपने कार्य बंद रहे, ऑफिसेज बंद रहे, तो हम सभी भी पूरे समय घर पर रहे। और इस अवधि में बच्चों ने एक नए प्रकार से पढ़ाई करने का, शिक्षा लेने का तरीका उनका जागृत हुआ। अभी तक बच्चे स्कूल जाके टीचर से क्लास में बैठ के पढ़ाई करते थे, इस बार ये नया एक तरीका आया ऑनलाइन क्लासेस का, कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। उसमें उन्होंने अपने चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट्स को सीखने का उनका एक अपना खुद का एक अलग एक्सपीरियंस रहा, जिसको लेके वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए। ओके, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि DPS छतरपुर ने आपकी इस लॉकडाउन के समय में कैसे मदद करी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक DPS छतरपुर का सवाल है, यहाँ के प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और एडमिन स्टाफ, इन सभी का इस लॉकडाउन की अवधि में सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा है। इन्होंने अपनी व्यवस्था से बच्चों को मैक्सिमम एफर्ट करके बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। ऑनलाइन क्लासेस इनकी रेगुलर रहीं, इन्होंने लगातार बच्चों से एक निश्चित टाइम टेबल बना के सब्जेक्ट वाइज, डे वाइज बच्चों के साथ क्लासेस ली हैं। साथ साथ बीच बीच में इनके रेगुलर टेस्ट हुए हैं, क्विजेज हुई हैं, जो बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी मददगार साबित होते रहे। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा DPS का। मैं DPS स्कूल के समस्त स्टाफ का, टीचर्स स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का, एडमिन स्टाफ का, इन सभी का अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से मैं उन सभी का आभारी हूँ। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इस समय उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में भी अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया, शिक्षा दी। अंत में मैं DPS स्कूल के समस्त बच्चों का, आगे उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, वो स्कूल का, टीचर्स का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उन सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये विश्वास है मुझे कि इस स्कूल के बच्चे आगे जाके नाम रोशन करेंगे, इस समाज को, इस देश को, सभी को एक सशक्त बनाएंगे। मेरी ये इन सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। ओके, थैंक यू पापा जी, आप इस QA सेशन में आए और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया।